अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिलीवर लेक्चर 3 ऑफ यूनिट 4 फॉर क्लास 8 एंड दिस इज बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 8। अब हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं पेज 65 पे, अर्थक्विक इन पाकिस्तान। इससे पहले हमने अर्थक्विक के बारे में पढ़ा कि अर्थक्विक कहते किसे हैं, ज़मीन का अचानक हिल जाना उसे जलजला कहते हैं। जलजले के दो वजूहात हैं, प्लेट टेक्टोनिक और वॉल्केनिक टेक्टोनिक। जब प्लेट्स जो हैं टूट जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर एरप्टली स्लाइड हो जाती हैं या जो फॉल्ट लाइन होता है वहाँ पे प्लेट जो है एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो ये इस वजह से जलजला आता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी, द सडन एरप्शन ऑफ वॉल्केनस रिजल्ट इन द शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट काजिंग अर्थक्वेक। उसके बाद हमने मेयरिंग के बारे में पढ़ा कि अर्थक्विक जो है उसको हम किस चीज़ से मेयर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्थक्विक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जलजलों की वकूफ पजीर और या नुकसान। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन अर्थक्विक प्रोन एरिया। पाकिस्तान ऐसे इलाके में वाक़ है जो जलजलों के लिए हसास है। द इंडियन प्लेट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग नॉर्थवर्ड एंड कोलाइड विद एरोजन प्लेट रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। इंडियन प्लेट मुसलसल शुमाल की तरफ हरकत कर रही है, मूवमेंट कर रही है, जहां ये एरोजन प्लेट से टकरा कर शगाफी खिद बनाती है। मूवमेंट ऑफ प्लेट अलॉन्ग दिस फॉल्ट लाइन कॉज्ड अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। इस खिद पर प्लेटों की हरकत पाकिस्तान में जलजलों का बाइस बनती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ कश्मीर, चित्राल, क्वेटा, चमन, सिबी, जोग, खुजदार एंड मकरान कोस्ट आर लोकेटेड ऑन फॉल्ट लाइन। कश्मीर का ज़्यादातर हिस्सा चित्राल, क्वेटा, चमन, सिबी, जोग, वाजदार, साहिली मकरान के इलाके शगाफी खित के करीब वाकया है, मतलब फॉल्ट लाइन के करीब वाकया है। बिसाइड दिस रीजन इस्लामाबाद, कराची एंड पिशावर आर आल्सो लोकेटेड नियर द फॉल्ट लाइंस एंड आर प्रोन टू अर्थक्वेक। इसके अलावा इस्लामाबाद, कराची और पिशावर में शगाफी खित के करीब वाकया है और जलजलों के लिए हसास है। A major earthquake was occurred in Pakistan on Saturday, October 8, 2005 at 8:50 AM. हफ्ता 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर पाकिस्तान में एक शदीद जलजला आया था। The magnitude of this disaster earthquake was 7.6 on Richter scale. इस जलजले की शिद्दत रेक्टर के पैमाने पर 7.6 थी। इट्स एपिसेंटर वाज 65 मील्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ इस्लामाबाद। इस जलजले का मरकज इस्लामाबाद से 104 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। एटलीस्ट 86,000 पीपल वर किल्ड, मोर देन 69,000 वर इंजर्ड एंड सीवियर अदर डैमेजेस वर आल्सो कॉज्ड इन द नॉर्दर्न पाकिस्तान। इस जलजले से तकरीबन 86,000 लोग जबहक हुए थे और 69,000 लोग जो है वो जख्मी हुए थे और भी बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हो गया था। द मोस्ट सिवियर डैमेज वर ऑकर्ड इन मुजफ्फराबाद एंड बालाकोट। सबसे ज़्यादा नुकसान बालाकोट और मुजफ्फराबाद में हुआ था। हम पढ़ते हैं सेफ्टी मेजर फॉर अर्थक्वेक, जलजले की सूरत में हिफाजती इकदाम। अर्थक्वेक गिव्स नो वार्निंग एट ऑल, जलजले किसी किस्म की खबरदारी नहीं देता, वार्निंग नहीं देता। समटाइम अ लाउड रंबलिंग साउंड माइट सिग्नल इट्स अराइवल अ फ्यू सेकेंड अहेड। कभी कभार जलजले से चंद लम्हे पहले एक तेज गरज जैसी आवाज आती है। दोज फ्यू सेकेंड्स कुड गिव यू अ चांस टू मूव टू सेफर प्लेस। यही चंद लम्हे आपको महफूज मकामात की तरफ जाने के लिए मौका देते हैं। फॉलोइंग टिप्स मे बी फॉलोड फॉर कीपिंग सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जलजले के दौरान महफूज रहने के लिए मंदरज झेल तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। नंबर वन है, टेक कवर अंडर अ टेबल और अदर स्टडी फर्नीचर, नील सिट और स्टे क्लोज टू द फ्लोर। मेज या किसी दूसरे मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं, घुटनों के बल खड़े रहें या फर्श पर बैठ जाएं। नंबर टू है, डू नॉट स्टैंड इन डोरवेज, शेकिंग कैन कॉज डोर टू फॉल एंड कॉज सीरियस इंजरीज। दरवाजों में खड़े होने से ग्रेस करें, झटकों की वजह से दूर दरवाजे जो हैं वो गिरने और जख्मी होने का खदशा होता है। नंबर थर्ड है, इफ़ यू आर इन बेड स्टे देयर एंड कवर योरसेल्फ विद पिलोज एंड ब्लैंकेट्स।
थर्ड में ये बताया कि अगर आप बेड पर हैं तो उधर ही रहें और खुद को पिल्लोज और कंबल के जरिए कवर करें। फोर्थ है, इफ यू आर लिविंग इन कच्चा हाउस द बेस्ट थिंग टू डू इज टू मूव टू एन ओपन एरिया वेयर देयर आर नो ट्रीज इलेक्ट्रिक और टेलीफोन वायर। अगर आप कच्चे मकान में रहते हैं तो अच्छा तरीका ये है कि किसी ऐसी खुली जगह पर चले जाएं जहां दरख्त, बिजली और टेलीफोन के तार ना हो। इफ यू होम इज बैडली डैमेज देन लीव इट। कलेक्ट वाटर, फूड, मेडिसिन एंड अदर इम्पॉर्टेंट आइटम बिफोर लिविंग। अगर आपके घर को बहुत नुकसान हुआ है तो उसे छोड़ दें और छोड़ते वक्त पानी, खुराक, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी अशिया अपने साथ लेते जाएं। नेक्स्ट पेज पे है, अवॉइड प्लेसेस हैविंग लूज इलेक्ट्रिक वायर एंड डू नॉट टच मेटल ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन टच विद देम। ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ बिजली की तारें गिरी हुई हों और उन तारों के साथ मुंसलिक धातु चीज़ों से दूर रहें। मतलब ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ बिजली की तारें जो हैं वो ज़मीन पर पड़ी हों और उन चीज़ों से दूर रहें जो मेटल से बनी हों। वियर शूज़ टू प्रोटेक्ट योर फीट फ्रॉम डिब्रिज। जूते पहने और अपने पाँव की हिफाजत करें। इफ़ द बिल्डिंग यू लिव इन इज इन गुड कंडीशन आफ्टर द अर्थक्वेक स्टे इनसाइड एंड लिसन फॉर रेडियो एडवाइस। अगर आपकी इमारत बेहतर हालत में हो तो उसके अंदर रहें और रेडियो पर नशर होने वाली हिदायत सुनते रहें। इफ़ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट द डैमेज टू योर बिल्डिंग, एवोकेट केयरफुली। अगर आपकी बिल्डिंग जो है, आपकी इमारत जो है वो तबाह हो गई हो या डैमेज हो गई हो तो एहतियात से उसे खाली करें। हेल्प इंजर्ड और ट्रैप्ड पर्संस, गिव फर्स्ट एड टू द इंजर्ड इफ पॉसिबल। जख्मी और फंसे हुए लोगों की मदद करें और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करें। हेल्प योर नेबर, द इन्फेंट्स, द एल्डरली एंड द पीपल विद डिसेबिलिटीज मे रिक्वायर स्पेशल असिस्टेंस। अपने हमसायों की मदद करें, बच्चों, बूढ़ों और मजदूरों को आपकी खास जरूरत पड़ सकती है। इफ सीवरेज लाइन्स आर डैमेज, अवॉइड यूजिंग द टॉयलेट। If water pipes are damaged, avoid using water from tap. अगर निकासी आपका निज़ाम ख़राब हो तो लेटरीन इस्तेमाल ना करें, टॉयलेट यूज़ ना करें और ना ही नल का पानी इस्तेमाल करें। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। जल्जलों के लिए हसास इलाकों में इमारात की तामीर। The people who live in earthquake prone areas need to take special care in the construction of buildings. जो लोग जलजलों के लिए हसास इलाकों में रहते हैं उन्हें इमारतों की तामीर के वक्त खुसूसी एहतियात बरतनी चाहिए। मतलब जब वो अपने घर बनाएं तो उन्हें एहतियात रखना चाहिए। सम ऑफ द कंसंट्रेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन अर्थ के प्रोन एरियाज आर एस फॉलो। ऐसे इलाकों में तामीर के वक्त ज़रूरी इकदाम में से चंद एक मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर वन है, द होल बिल्डिंग शुड बी इन फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर सो डैट इट कैन मूव एज होल। पूरी इमारत एक ही स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, एक ही शेप में होनी चाहिए। ऐसी सूरत में इमारत एक साथ हिलती है और टकराव के इम्कान कम होते हैं। नंबर टू है, देयर शुड बी एनफ स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट बिल्डिंग सो डैट दे कोलैप्स ऑफ वन बिल्डिंग मे नॉट डिस्ट्रॉय द अदर। दो मुतासिल इमारतों के दरमियान इतना फासला रखना ज़रूरी होता है कि एक इमारत दूसरे के ऊपर ना गिरे। थर्ड है, मिनिमम ग्लास शुड बी यूज्ड। शीशे का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। द डेकोरेटिव ग्लास पीसेज मे बी वेरी डेंजरस व्हेन ब्रोकन। शीशे की बनी हुई अशिया टूटने की सूरत में खतरनाक होती हैं। नंबर फोर है, द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड फ्रेम शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। इमारत के जो फ्रेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको जितना मजबूत बना सकते हैं उतना ज़रूरी है। फिफ्थ है, लाइटर बिल्डिंग मटेरियल शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डैमेज इन केस ऑफ कोलैप्स। हल्का इमारती मवाद इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इमारत गिरने की सूरत में कम से कम नुकसान हो। सिक्स्थ है, द यूज़ ऑफ वुड एंड रीयूजेबल बिल्डिंग मटेरियल मे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग। लकड़ी और दोबारा इस्तेमाल के काबिल इमारती मवाद इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दोबारा तामीर में काम आ सके। सेवन्थ है, हैवी एंड बल्की आइटम शुड बी केप्ट फास्टेंड इन द बिल्डिंग डेट दे मे नॉट फॉल ड्यू टू शेकिंग। भारी भरकम अशिया को घरों में मजबूत और व्यवस्था रखना चाहिए ताकि झटकों के साथ गिरने का खदशा
कम हो। ये हमने पॉइंट्स पढ़े कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के, जो लोग जलजलों के लिए हसास इलाकों में रहते हैं उनके घर की तामीर कैसी होनी चाहिए, पूरी इमारत जो है एक शेप में होनी चाहिए, एक ही स्ट्रक्चर उनका होना चाहिए, ऐसी सूरत में इमारत के एक साथ हिलती है और टकराव के इम्कान कम होते हैं, और दो बिल्डिंग जो हैं उनके दरमियान इतना फासला ज़रूरी रखना चाहिए ताकि एक इमारत दूसरी इमारत के ऊपर ना गिरे। शीशे का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि शीशे की बनी हुई अशिया जो है वो गिरने की सूरत में ख़तरनाक साबित होती हैं। लकड़ी और दोबारा इस्तेमाल के काबिल इमारती मटीरियल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दोबारा कंस्ट्रक्शन के काम आ सके। भारी भरकम अशिया को घरों में मजबूत और व्यवस्था रखना चाहिए ताकि जड़कों के साथ गिरने का खतरा कम हो।